हाँ जी, तो जैसे कि पहले एपिसोड में आपने देखा, हम निकल पड़े हैं एक ड्रीम पिक्चर की तलाश में, पिथौरागढ़ से नैनीताल। उस ड्रीम पिक्चर के लिए मैट्स और गोस्ट का बोटिंग करना बहुत जरूरी है, जो कि हमें लगा नैनीताल में ही पॉसिबल है। पर नैनीताल पहुंच के हमें पता चला कि पेट्स आर नॉट अलाउड ऑन द बोट, जिससे हो गया हमारा बहुत बड़ा कट्टा। वहां से मायूस होके हम निकल पड़े हैं भीमताल के लिए। तो इससे आगे की कहानी चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैक्स आपसे कुछ कहना चाहता है। हेलो, तो मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियोस तो इतने सारे देखते हो, आपको पसंद भी खूब आते हैं, पर आप ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो अभी मैं आपको सब्सक्राइब कराने के लिए आया हूँ। मैं रुका हूँ, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। जाओ जाओ, रुका हूँ मैं। कर दिया, अब कर ही दिया है तो लाइक भी कर दो। ही कर दिया डी, आ जा। ओके बाय। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि नैनीताल में हमारा थोड़ा सा कट्टा हो गया, फिर हमने सोचा कि नैनीताल में रुक के अब करें क्या, इससे अच्छा तो भीमताल चले जाते हैं। भीमताल नैनीताल से 1 घंटा दूर है, और हमें लगा क्यों ना भीमताल जाके भीमताली थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। सो भीमताल में हमने एक कॉटेज बुक कराया था एक रिजॉर्ट के अंदर, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी जगह थी। और एक काम करता हूँ ना, आपको बता के रहा हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। सो कल हम रुके थे हल्द्वानी में, एंड अभी हम आ गए हैं भीमताल। सो वी स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड फोर सीजंस इन भीमताल, एंड यू नो इट्स नाइस मैन, प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर दीज टू टू प्ले, एंड यू नो आई एम श्योर दीज गाइस विल लव इट। प्लस इट्स रियली एन इनएक्सपेंसिव ऑल्सो। आप ही देख रहे हो ये विला, ये पूरा विला हमारा है, एंड इट्स लाइक रियली नाइस मैन। अंदर किचन एंड ऑल एवरीथिंग, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ से। लेट्स सी हमारा स्टे कैसा होता है। चलो यहाँ से जाओ, मैक्स जाओ, गोस्टी जाओ, चलो ऊपर जाओ, ऊपर चलो, हमारा ऊपर है, आ जाओ। ये आवाज क्या रही है? लकुकी। देखो क्या कर रहा है तू, देखो व्यू कितना अच्छा है। थोड़ी सी देर में शाम हो गई, हमने आग जलवाई, आग के आगे बैठ के खाना खाया, थोड़ा सा एंजॉय किया, और फिर हम सो गए। मैक्स गुड नाइट बोल दे। गुड नाइट। बिल्कुल बेहतरीन नींद निकालने के बाद सुबह जब मैं उठा और गोस्टू मक्को को बाहर लेके गया, तो आई नोटिस्ड कि गोस्टू लंगड़ा रहा है। देखा, गोस्टू ने तो अपने पैर में चोट मार ली थी। गोस्टू का जो पाँव था वो फट गया था, और उससे हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। अब पता नहीं इसने कब चोट मारी। तो मैंने बोला, भाई रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है, बच्चा है। हमने जब पता करा कि भीमताल में सबसे अच्छा वेट कौन सा है, पता लगा वहाँ पे तो वेट ही नहीं है, तो हमें गोस्टू को लेके वापस जाना पड़ा हल्द्वानी उसका पैर दिखाने। दे 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 पता नहीं गोस्ट ने कहीं पर अपने पैर पर चोट मार दी है, उसका जो नीचे का पूरा पैड है वो पूरा घिस गया है। तो अभी बस भाई साहब को लाए हैं, बेड के पास लाए हैं, हल्द्वानी में अपने आए हैं हल्द्वानी, और फिर होपफुली ठीक हो जाएगा। हाँ गोश्त बहुत चोट लगी, बहुत चोट लगी ना, ठीक हो जाएगा। और दूसरा ना हमारे हीरो डर के मारे कि इनको भी इंजेक्शन लगेगा। मैक्स क्या बात, डर लग रही है क्या? चाहिए टॉय? कहाँ है टॉय? कौन सा टॉय चाहिए? कौन सा टॉय चाहिए? ये वाला अच्छी। तो गोस्टी का हमने करा लिया पैर की ड्रेसिंग, और अभी बेचारे गुड बॉय बने दोनों के दोनों, इसलिए इनका फेवरेट टॉय इनका। ये टॉय नैनीताल पहुँचने से नहीं बचेगा। देखो इस समय मेरे को दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहला कि गोस्टू के पैर में चोट लग गई, उस बेचारे को चोट लगी वो दर्द में था। दूसरा कि हम इतना दूर आए, पिथौरागढ़ से हम नैनीताल आए हैं, और वहाँ जाके जो हमारा ड्रीम था बोटिंग करने का, वो मैक्स कोस्ट के साथ वो पिक्चर खींचने का जो ड्रीम था, वो हमारा अधूरा रह जाने वाला था। पर जैसे कि आप जानते ही हो, सपने सपने होते हैं, मजाक नहीं होते हैं।
तो हमने कहा इतने आसानी से थोड़ा अपने सपने को छोड़ देंगे भाई। नैनीताल के चारों तरफ लेक्स ही लेक्स हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नैनीताल के चारों तरफ टोटल 7 लेक्स हैं, नैनीताल, सरिया ताल, खुरपा ताल, गरुड़ ताल, सात ताल, भीम ताल और एंड में हमारी नौकुचिया ताल। और हमने सोचा किसी न किसी लेक में तो हमें परमिशन मिल ही जाएगी। हमने एक एक करके सारे लेक्स पे जितने भी लोग थे जिनको हम जानते थे, जिनके नंबर हमें मिले थे, उनको हमने कॉल करना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया कि क्या अपने पेट्स के साथ हम बोटिंग कर सकते हैं। हर जगह से आंसर वॉज नेगेटिव, हर किसी ने मना कर दिया। अब बची थी सिर्फ एक लेक जिसका नाम है नौकुचिया ताल। ये बहुत ही मैसिव लेक है और बहुत ही खूबसूरत। नौकुचिया ताल में किसी भी रिस्पॉन्सिबल बंदे का नंबर हमें नहीं मिला, तो हमारी फोन पे किसी से बात नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमने सोचा कि हम खुद नौकुचिया ताल जाते हैं, वहाँ पे पर्सनली वहाँ की अथॉरिटीज से बात करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार हमें ना बच्चों से बोटिंग करने दे दो। जब हम नौकुचिया ताल पहुंचे, वाओ, नौकुचिया ताल देख के हमारे ना होश उड़ गए, इतनी खूबसूरत थी। पर अफसोस हमें वहाँ पे परमिशन नहीं मिली। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी पर हमें परमिशन नहीं मिली। अब हमने कहा चलो कोई नहीं यार, मायूस होके करेंगे भी क्या, परमिशन नहीं मिली कोई बात नहीं। वहाँ पे पास में ही एक कैफ़े है, कैफ़े बाय द लेक, और उसमें ना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था एनिमल फ्रेंडली। हमने कहा भैया ये जगह तो चेकआउट करनी ही करनी है। सिर्फ कम टू दिस कैफ़े, इट्स कैफ़े बाय द लेक एंड दिस इज़ अ पेट फ्रेंडली कैफ़े। वाओ, वी आर सो ग्लैड। Let's go and check it out. ओहो, क्या वाइब्स थी यहाँ की। और यहाँ की वाइब्स से भी अच्छा था यहाँ का खाना। गोस्टू को ही देख लो कैसे सूंघ रहा और खाने नहीं दे रहा हमें। चलो खाना तो ठीक है, पर ये सबसे बेस्ट चीज़ थी इस कैफ़े की। यहाँ पे एक ओपन इंक्लोज्ड प्लेइंग एरिया था फॉर द पेट्स, यानी कि गोस्टू मक्कू यहाँ पे जितना चाहें दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। और ये चारों तरफ से इंक्लोज्ड है जिसकी वजह से गोस्टू के भाग जाने की टेंशन भी नहीं। तो हमने आराम से चिल मारा, आराम से अपना खाया पिया और मक्कू गोस्टी अपना पीछे खेलते रहे। एक बात बताऊँ आपको, जब ये बॉल वगैरह छोड़ के ऐसे लकड़ी से खेलते हैं ना, तो बड़ा दिल को सुकून सा मिलता है, एकदम नेचुरल वाली फीलिंग आती है। और इनको भी ना लकड़ी से खेलना, इनको ही क्या, सारे गुड बॉयज़ को लकड़ी से खेलना ना बड़ा पसंद है, तो आप लोग भी ध्यान रखना। तो इस कैफ़े में मस्ती करने के बाद हम चले गए यहाँ से वापस नैनीताल। अब आप सोचो कि फिर से नैनीताल, ये कर क्या रहो भाई, गोल 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 घूम के रहो। तो एक्चुअली सीन ये था कि उस रात दीपिका बर्थडे था और हम रहने वाले थे इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में जिसका नाम है कहाल जंगल। ये हमारे दोस्त की प्रॉपर्टी थी और उसके साथ मिलके हमने सारी चीज़ें फिक्स करी हुई थी। डीपी के पेरेंट्स आ रहे थे दिल्ली से, उसके कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे थे दिल्ली से, जो कि सब वहाँ पे मिलने वाले थे और हम पार्टी करने वाले थे। इसलिए हम फिर से नैनीताल गए टू स्टे एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। चलें नैनीताल से, चलें दोस्तों, चलें। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूं कि हम कहां रुकने वाले हैं। गाइस, दिस इज कहाल जंगल रिजॉर्ट, एकदम जंगल के बीचों बीच, हिमालयस के सामने और नैनीताल के बिल्कुल बगल में। तो कहाल जंगल जाने के लिए आपको एक 10-15 मिनट लंबा ट्रैक करना पड़ता है। और क्या खूबसूरत ट्रैक है, देख रहे हो पूरी पत्तियां गिरी हुई हैं और क्या मजा आ रहा था यहाँ से चल के जाने में। तो हमें यहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, पर क्या खूबसूरत जगह है। ये रिजॉर्ट मेरे दोस्त अनिरुद्ध का है और ये रिजॉर्ट उसी की तरह अमेजिंग है। तो अगर आप कभी नैनीताल आओ तो यहाँ रुकना भूलना मत। अगर अनिरुद्ध को आप हमारा नाम लोगे ना, तो हम श्योर आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट भी देगा वो, है ना अनिरुद्ध भाई। रात को हमने एज यूजुअल पार्टी करी, बर्थडे नाइट है भाई।
एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो हमें वहां मिला जैकी। तो ये है जैकी। जैकी भी छोटा सा बच्चा है और फिलहाल थोड़ा इनसिक्योर है क्योंकि मैक्स और गोस्ट उसके टेरिटरी में आ गए हैं, पर है बड़ा प्यारा। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि गोस्टी से उसकी दोस्ती करवा दी जाए सो दैट ये लोग हार्मनी में रहें और साथ में खेलें। चलो आप खेलो। कल से परेशान है कि भाई देखो मस्ती तो बहुत हो रही थी, पर एक और इम्पोर्टेंट काम था जो हमें हर दिन करना था, वो था गोस्टू की पट्टी को चेंज करना। तो गोस्टू की ड्रेसिंग को खोल के उसकी चोट को साफ करके दोबारा से ड्रेसिंग करने वाला हूँ मैं। अगर आप इसको, मैं इसको बंद छोड़ दूँ अंदर, मान लीजिए पस भर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो पता नहीं चलेगी। ये तो बेचारे बता नहीं पाएंगे, तो मेरा प्यारा बीवी है, ये तो दर्द बता नहीं पाएगा। तो अभी हम इसको खोल के इसकी ड्रेसिंग करेंगे और देखो कितना अच्छे से लेटा हुआ है गोस्टी, गुड बॉय की तरह। वेरी नाइस गोस्टी, बहुत गुड बॉय, और दूसरा गुड बॉय है। उसकी अभी पट्टी चेंज करेंगे। और कभी आपके पेट्स को भी चोट लगे ना, ध्यान रखना आप कभी भी पट्टी को ज़्यादा दिन नहीं छोड़ना है। तो हमने गोस्टी की ड्रेसिंग कर दी है और ये बीटाडीन से इसको पहले क्लीन करा, फिर ये डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया था ये, और इसे मैंने लगा के बढ़िया एकदम चकाचक बना दिया इसको ड्रेसिंग करके। हैं गोस्टी हो गया? अरे मैक्स भाई सब सो रहे हैं। भैया यूं ही मस्ती करते करते ये दिन भी गुजर गया। देखो मस्ती करते करते ये दिन भी ढल गया। सुबह जब हम उठे तो सभी ना बहुत सैड थे क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया था। उठ जा गोस्तू, आज जाना है ना घर वापस, उठ जा। देख मक्कू उठ गया है, मक्कू। हम सारे दोस्त जब मिलते हैं, इतने महीनों बाद मिलते हैं, दिन जब अलग अलग जाना पड़ता है ना अपने अपने घर, तो बड़ा सैड लगता है। दूसरा मेरे अंदर एक अलग ही मायूसियत थी क्योंकि मैं इतना दूर जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। आई वॉज वेरी सैड। पर चलो किसी तरह भारी मन के साथ मैं गाड़ी में सामान मन लगा रहा था, बच्चों का सामान सेट कर रहा था कि एकदम से सूरी को फोन आया नौकुचे ताल से। उन्होंने बोला भैया देखो अगर आपको बोटिंग करनी है तो अगर आप अभी आते हो तो मैं आपको बोटिंग करवा सकता हूँ। एंड वी लाइक क्या? मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ना हॉलीवुड मूवीज़ की तरह हो गया, क्लाइमैक्स में जाके चीज़ें हो रही हैं। हमने कहा कोई नहीं भाई, फटाफट गाड़ी पकड़ो और चल दो नौकुचे ताल। चलो जाओ मैक्सी, जाओ गोस्टी, जाओ पापा, जाओ, हाँ जाओ अंदर, जाओ 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 मैक्स, चलो आप भी जाओ, गुड बॉय, जाओ गुड बॉय। मैक्स कूदना नहीं है पानी में, कूदने के चक्कर में, शाबाश। और हाँ दोस्तों, मेरे को मेरी ड्रीम पिक्चर मिल गई, एंड दिस पिक्चर इज एंड फॉर एवर विल बी माई फेवरेट पिक्चर। देखा दोस्तों, लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जब हम अपना 200% दे रहे थे तब कुछ सही नहीं हुआ, एंड जब हमने सारी होप्स ही छोड़ दी थी एकदम से हमारा ड्रीम पूरा हो गया। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको इस वीडियो में हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी कम लगी हो। एक्चुअली मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, अभी भी इस समय पे मेरे को बुखार आया हुआ है, हालत ही ख़राब हो गई यार शूटिंग करने में। तो गाइज अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आई तो जल्दी से नीचे लाइक बटन है ना उसे ब्लू कर दो, कमेंट सेक्शन में ढेर सारा अपना प्यार दे दो, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में।
अगले वीडियो में हमने जो Q&A के लिए आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था ना, हम उसको कवर करने वाले हैं। तो बड़ा मजेदार सा वीडियो होने वाला है वो। सो गाइस, तब तक के लिए हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और हाँ, आपका भाई प्यार करता है आपको। ओके बाय।